भैया दिक्कत तो बहुत आ रही है, 500 का ले तो लेते हैं, पेट्रोल पंप वाला भी नहीं ले रहा, बोले हमारे 500 की गैस भराओ, और हमारी गाड़ी में 250 से ज़्यादा की गैस आती नहीं है, और बैंक में एक बार से दूसरी बार बदल नहीं रहे नोट, बहुत परेशानी आ रही है। क्या लगता है मोदी जी का निर्णय सही है क्या? अब भैया ये तो निर्णय तो सही है, लेकिन जनता कितनी परेशान है, खाने को नहीं है, कफन के लिए नहीं है, क्या ही है? ये निर्णय तो सही है, आपकी गलत है क्या है, लेकिन बहुत परेशानी आ रही है। अरे लाइन की बात नहीं है, बात ये है कि बाजार में जो अप डाउन हो रहे हैं, बात चिंता उसकी है ना, लोगों को मतलब इसका डर बैठा हुआ है कि, और ईमानदार आदमी को। मोदी जी का फैसला आपको कैसा लगा? बिल्कुल गलत फैसला। अरे कोई टाइम देके बंद करे, या कोई 8 तारीख से ट्रांजिशन बंद कर दे प्रॉपर्टी का, इसका उसका लेन देन, लेकिन लोगों को आराम से तो टाइम दे दे। आम आदमी परेशान, आम आदमी काला धन से क्या लेना देना, आम आदमी को जो रोजमर्रा का लाइफ में जो काम करता है डेली लाइफ में, उसको क्या लेना देना काले धन से? काला धन जिनके पास उनको पकड़ो, वो तो सामने दिख रही है। राजनीतिक, ये राजनीतिक पार्टियों को पकड़ो ना, सारा पैसा तो इनके पास है, खेल इन्होंने ही करा राजनीतिक पार्टियों ने, चंदे से लेके ये जो उपज जो पैदा हुई है काले धन की, वो राजनीतिक पार्टियों से शुरू हुई है, पॉलिटिकल पार्टियों से। कोई परेशानी? बहुत परेशानी सर, पहचान वाले सीधे अंदर जा रहे हैं। अच्छा। भाई हम खड़े हैं यहाँ विड्रॉल के लिए। कब से खड़े हैं आप? एक घंटे से ऊपर हो गया सर। मोदी जी का ये फैसला आपको कैसा लगा? कुछ तो अच्छा भी है, पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मार्केट में करेंसी पहले लानी चाहिए थी, बाद में नोट बैन करने चाहिए थे। मुझे भी 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे लगे हुए। कोई दिक्कत? बस दिक्कत ही दिक्कत है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं, इसलिए लाइन में लगे हुए हैं। हम 10 बजे से लगे हुए हैं, ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ भी है, यहाँ आदमी घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अंदर जो बोल रहे हैं कि बोले 100 मेंबर से ज़्यादा नहीं लेंगे, हमारा 75वां नंबर खत्म हो गया, अगर नहीं आएगा तो पब्लिक क्या करेगी? 10 बजे का निर्णय तो सही है, लेकिन ये बैंक वालों की मनमानी चल रही ना, 6 बजे तक का टाइम है तो 100 आदमी क्यों ले रहे हैं ये? अब ये देखना है कि 100 आदमी का अगर टारगेट रखेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? खातेदार होते हुए भी अंदर जाने के लिए मतलब बहुत परेशानी वाला काम हो रहा है, मतलब अपना खाता अकाउंट होने वाले बावजूद भी अपने लाइन में लगे, और विड्रॉल के भी परेशानी आ रही है, और ATM में पैसे है नहीं, अभी यार इनके डले हुए हैं वहाँ पे भी, कितने ATM में चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़े होने के बाद भी नतीजा कुछ निकल रहा। हम तो कह रहे ठीक है, छोटे मोटे जो बेचारे जो सब्जी वाले हैं इनसे पैसे सामान भी लेने जाए तो भाई इतनी परेशानी आ रही है, अब 2000 का नोट लेके जा रहे हैं वहाँ पे, तो बोलता है पहले सामान खरीदो, खुलने कहाँ से देगा सामने वाला, तो 500 के नोट तो दे ही नहीं रहे, 2000 के नोट मिल रहे हैं वहाँ पे। नोट बंद होने के बाद में व्यापार में दिक्कत ही आ रही है भाई साहब की, जैसे अपन अगर कोई बंदे वाला अगर अपने को 500 का अपन से पेमेंट लेते हैं तो वो भी 500 का ही दे रहा है, क्या 500 का ही दे रहा है कि ताकि अपन उनको मतलब मार्केट में कैसे चलाएं, अब मार्केट में अगर अपन लेके आते हैं तो मार्केट में ले नहीं रहे, तो उससे ये बहुत समस्या आ रही है। तो और बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में कम से कम 5-4 घंटे में से पहले नंबर आ नहीं रहा है जमा करने के लिए, तो इस वजह से बहुत परेशानी आ रही है। मतलब क्या लगता है मोदी जी का निर्णय सही है? मोदी जी का निर्णय तो सही है ऐसे एक तरीके से काला धन को निकालने के लिए, लेकिन क्या है कि अभी व्यक्ति आम व्यक्ति भी परेशान हो रहा है, और जो मतलब चल रहा है कि 500 में अपन थोड़ा सा कि अपन छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो उससे मार्केट में खरीदारी में बहुत समस्या आ रही है। आज जैसे अपन का घर का अभी कोई राशन लेने भी आते हैं तो किराने वाला भी 500 का नहीं लेता है, तो और कई जगह जहाँ चल रहे हैं तो वो कहते हैं 500 का पूरा सामान ले लो, तो मध्यम वर्ग का लोग है व्यक्ति है वो 500 का एकदम से खरीदारी कर लेगा तो सामान न्यूट्रल हो जाएगा एकदम। अब एक एक जनों को निकाल रहे, कम से कम 2-3 जनों को तो निकालना चाहिए ना सर, लेट हो गए। बहुत गलत है, आम जनता को बहुत परेशान कर दी है, इतना परेशान हमारे घर में जाना, मेरे सामान लाने के लिए पैसे नहीं वो हो रहे। तब जैसे आए हम तो टाइम हो गया, हमको खड़े खड़े काम धंधे करते हैं, यहाँ पर लाइन में लगे हैं, भूखे प्यासे लगना पड़ रहा, सुबह से जल्दी उठ कर आना पड़ रहा, घर का काम भी फेस्ट हो रहा है, काम पे जाते हो काम का भी नांगा हो रहा है हमारा,
परेशानी है ना। 500 का नोट भी नहीं टूट रहेगा, अब नहीं टूटेगा तो फिर घर में खर्चे के लिए क्या करेंगे, बच्चे को कैसे क्या करेंगे। 12 बजे से आया नहीं आया है नंबर, सब लाइन में खड़े ना। इसके कारण क्या परेशानी आई? खुले नहीं मिल रहे ना हमको पैसे, सामान ही नहीं दे रहे ना, दुकान वाले भी दुकान वाले राशन वाले भी नहीं दे रहे, कोई नहीं लाने वाले। और बच्चों पैसे बच्चों के देंगे स्कूल में, मैडम फीस नहीं ले रहे, पूरा पूरा मतलब खुले चेंज चाहिए हमको, किस्त किस्त भरना पड़ती सब खुले चेंज मांग रहे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लेके आए हम। हमारा टाइम छोटी हो रहा है ना, हमको खिलौना बनाने जाना पड़ता है, हमको वहाँ भी कितना टाइम लगता है।